हेलो हैलो कैसे हो आप लोग आई होप भाई हमेशा की तरह आप लोग गर्दा उड़ा रहे और आप लोगों ने वोट किया कि भाई इन तीनों फोन्स को सबसे ज्यादा वोट मिला था कि इन तीनों के अंदर कंपेयर होना चाहिए तो फाइनली ये वीडियो लेके आ चुके हैं वैसे हम आपको ये भी बता दें कि भाई तीनों फोन में आपको अपडेट भी आया था उसके बाद हम रिव्यू कर रहे हैं और इन तीनों फोन का डेडिकेटेड कैमरा रिव्यू भी बना हुआ है ज्यादा डिटेल्स वगैरह चाहिए तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं और प्राइसिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे एक्सपेंसिव जो आपको है वो नॉट सी ई है लेकिन कहीं ना कहीं नथिंग भी सेम प्राइस का आता है क्योंकि ये बॉक्स में चार्जर नहीं देता है अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस भी जो है वो नॉट सी का सबसे बढ़िया

प्लस में यहाँ पे स्नैप ड्रैगन सेवन जेन थ्री पर्सनली बोले तो यू एफ एस थ्री पॉइंट है वैसे everyday life में तीनों ही फोन बहुत बढ़िया काम करता है। उसमें आप बोल नहीं सकते कुछ भी कि कौन सा फोन बहुत ज्यादा एकदम डिफरेंस आएगा ऐसा कुछ आपको पता भी नहीं चलेगा अगर यू आई का बात करथिंग तो का यू आई जो सबसे नीट एंड क्लीन रहता है वो फील भी होता है भाई आप एकदम स्मूथ चलेगा सबसे ज्यादा बेटर हमको सेकंड में हम वन प्लस का बोलेंगे यहाँ वन प्लस जो है ऑक्सीजन हो के साथ काफी अच्छा पहले से ऑप्टिमाइज हो चुका है और अच्छा ये भी लगा आप इसमें बहुत सारा एप्स जो है डिसेबल कर सकते हो लेकिन अगर वीवो का बात करें यहाँ पे प्राइस कम है लेकिन यू भी थोड़ा सा आपको पीछे ही पीछे फील करवाएगा यूआई के मामले में यहाँ पे वीवो जो है सबसे पीछे वही अगर बैटरी का बात करें तो वन में आपको सबसे बड़ा बैटरी मिलता है पचपन सौ का बैटरी है और हम लोगों ने टेस्ट में देखा था कि बहुत लंबा इसका बैटरी चलता है और बाकी दोनों फोन में पांच हजार एमएच का बैटरी है यहाँ पे बॉक्स में जो है सिर्फ आपको नथिंग चार्जर नहीं देगा फोर्टी फाइव वाट सपोर्ट करता है वन प्लस जो है हंड्रेड वाट का चार्जिंग सपोर्ट करता है मतलब सबसे बड़ा बैटरी और सबसे फास्ट चार्जिंग आपको वन प्लस में मिलने वाला है एंड में बताते हैं कि बैटरी किसका कितना चलता है तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरा नाम है सौरभ और हम लोग हेल्प करते हैं को अच्छा कैमरा फ़ोन चूज़ करने में वैसे हम लोग आज इन तीनों फ़ोन का रिव्यू कर रहे हैं वैसे कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग जो बोले वही चीज़ आपके लिए सही हो आप अपना परसेप्शन भी रख सकते हैं कि आपको कोई और हो सके कलर्स वगैरह में कोई और फ़ोन बेहतर लग सकता है जो कि हम लोग बता रहे हैं उससे अलग लग सकता है वो आपका अपना व्यू हो सकता है और हम लोग जो है हेल्प करते हैं बस इस चीज़ में कि आपके लिए बेहतर ऑप्शन कौन सा है फोन में वो आप चूज कर सको इन तीनों फ़ोन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन क्वेरी हो जो कि आपको यहाँ वीडियो में नहीं समझ में आया हो तो इंस्टाग्राम में हमारा सौरभ और मिया वाला के नाम से वहां जाकर पूछ सकते हो तो फाइनली बात करते हैं कैमरास का। यहां पे हम लोग का कैमरा देता है और तीनों फोन में आपको वहीं अगर का बात करें तो यहाँ पे एल वाई टी सिक्स हंड्रेड सेंसर है नया सेंसर है ये बाई वन पॉइंट नाइन फाइव इंच का सेंसर है एफ वन पॉइंट एट के साथ आता है वहीं हम लोग वीवो का बात करें तो यहाँ पे सोनी आई एम एक्स एट एफ वन पॉइंट एट के साथ इंच का सेंसर है और इसमें हम आपको बता दें दे कि में एक तो चीज को कंट्रोल कर सकते हो। बाकी फोन्स में इस को कंट्रोल करने का नहीं है और चीज काफी जाओगे तो मास्टर मोड दिया गया है आप लेफ्ट टू तो राइट करोगे तो सैचुरेशन एक्सपोजर ये सब चीज को कंट्रोल करने का ऑप्शन मिल जाता है बाकी दोनों फोन में आप एक्सपोजर अप डाउन कर सकते हो तो सारे फोन का सटर लैग देखते हैं हम लोग कैसा सटर लैग है तो हम लोगों ने लास्ट टाइम ही देखा था कि वन प्लस में सटर लैक जो है सबसे ज्यादा है मतलब सबसे कम फोटोज क्लिक होता है यहाँ पे सबसे बेटर जो है फिर वीवो में आप बोल सकते हो कि आपको सबसे ज्यादा फोटोज फास्ट क्लिक कर सकता है तो अगर फोटोज़ देखोगे आप तो सबसे पहला चीज़ जो नथिंग का हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं है बहुत ज़्यादा बूस्टेड कलर्स है हाँ किसी को पसंद हो सकता है यहाँ पे T3 भी प्राइस के हिसाब से काफ़ी बढ़िया काम किया है नॉट जो है वो भी अच्छा काम किया है अगेंस्ट द लाइट बोले तो यहाँ पे हमको नथिंग का फोटोज जो है सेवेंटी परसेंट सिचुएशन में बेहतर काम करता दिखा वन प्लस नॉट भी अच्छा काम किया है टी थ्री भी ऑलमोस्ट ठीक ही काम किया है हम अगर कहीं ना कहीं बोले तो इस फोटो में अगर देखें तो यहाँ पे सबसे बेस्ट काम जो है नॉट किया है यहाँ पे टी थ्री एक्सपोजर बैलेंस नहीं कर पाया है ह्यूमन सब्जेक्ट में खासकर ये चीज़ होता है और ह्यूमन सब्जेक्ट का ही बात करेंगे तो यहां पे हमको सबसे बेस्ट जो कलर्स है ह्यूमन सब्जेक्ट का वो हम लोग को नॉट में लगा और वन प्लस का भी काफी बढ़िया है भी वो थोड़ा सा बूस्ट करता है कलर्स को फेस को खासकर लेकिन लो लाइट में अगर आप जाओगे तो यहां पे सबसे शार्प और डिटेल जो है नथिंग है लेकिन भाई उसका कलर्स भी बहुत ज्यादा बूस्ट आता है स्काई वगैरह खासतौर पर ज्यादा बूस्ट करता है ओवरऑल बोले तो टी भी काफी अच्छा है क्योंकि भाई लंबा सटर सबसे ज्यादा टी नहीं ले पाता है और अगर फ्लैश के साथ आप फोटोज देखोगे तो यहाँ पर सबसे बेटर जो है एक्सपोजर है हमको टी का ही लगा है वन का सबसे पावरफुल फ्लैश है और नथिंग भाई बहुत ज्यादा बूस्ट कर रहा है को तो अगर अल्ट्रा वाइड का बात करें तो यहाँ अल्ट्रा वाइड है इंच का Gen 1 सेंसर है और ये काफी ज्यादा पावरफुल सेंसर आप कह सकते हो लेकिन यहाँ पे अगर वन प्लस में बात करेंगे तो सिर्फ आठ मेगा पिक्सल मिलेगा आई एम एक्स थ्री फिफ्टी फाइव वाला एफ टू पॉइंट टू अपरचर के साथ वन बाई फोर पॉइंट जीरो इंच का सेंसर है और वही वीवो जो है यहाँ पे पीछे रह जाता है क्योंकि यहाँ पे कोई अल्ट्रा वाइड नहीं है जो पांच हजार का प्राइस कट है वो वीवो का कहीं ना कहीं ये सब चीजों में किया गया है तो यहाँ कंपटीशन बस नथिंग और वन प्लस में है और क्लियरली आपको ये चीज़ पता है शार्पननेर डिटेलिंग में वे बेटर नथिंग काम करता है वाइडर व्यू भी ज़्यादा देता है कलर्स वैसा ही आपको मिलेगा कलर बूस्टेड जो है नथिंग में है नॉट थोड़ा सा सॉफ्ट uh, साइड में मतलब रहता है ज़्यादातर अगर बैलेंस करने का कोशिश करता है कहीं ना कहीं अगेंस्ट लाइट हो कुछ भी सिचुएशन नथिंग बहुत बढ़िया काम करता है नथिंग का सबसे बड़ा मज़ा आता है भाई लो लाइट में आपको क्लिक करोगे तो बहुत ही ज़्यादा शार्प और डिटेल्ड ब्राइट फोटोज लो नॉइज़ के साथ फोटोज निकाल पाता है लेकिन एक चीज़ है फ्लैश के ज़्यादा फोटोज़ वगैरह लोगे तो नथिंग में कलर्स कुछ

मोड पास में जाओगे अगेन द लाइट शॉट लोगे तो यहाँ पे वन का फोटो जो है मैक्सिमम जगह पे हमको अच्छा मेंटेन करता हुआ दिखा आईक्यू यहाँ पे को ब्लोन आउट करता है एच डी आर मैनेजमेंट गड़बड़ हो जाता है खासकर पोर्ट्रेट शॉट्स में लेकिन लो लाइट में आईक्यू जो है बहुत ज्यादा अच्छा काम कर पाता है नाइट मोड उसमें मिल गया है नथिंग में एक फायदा है कि आप क्लीफ लाइट ऑन करके भी फोटोज वगैरह क्लिक कर सकते हो तो पूरा मिक्स रिजल्ट है अभी तक देखा जाए तो ओवरऑल यहाँ पर लो लाइट में वन प्लस जो है बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता है और वन प्लस में एक और नेगेटिव पॉइंट है कि भाई आप टू एक्स पोर्ट्रेट नहीं ले सकते हो उसमें नथिंग और वीवी

मतलब कि वीवो जो है वो थोड़ा सा ज्यादा अनस्टेबल फील हो रहा है यहाँ पे नथिंग और वन प्लस जो है काफी स्टेबल है कहीं ना कहीं बोले तो नथिंग सबसे ज्यादा स्टेबल फील हो रहा है के मामले में टू एक्स का अगर बात करेंगे तो यहाँ पे वन प्लस का फोटो जो है सबसे ज्यादा क्लैरिटी के साथ है लेकिन थोड़ा डार्क रहता है वहाँ पे वीवो और नथिंग जो है ज्यादा ब्राइट फोटोज देता है कुछ ऐसा रिजल्ट था और फाइव एक्स पे अगर आप जाते हो तो यहाँ पे ओवर शार्पनेस करना स्टार्ट कर देता है नथिंग में आप देख सकते हो कलर्स वगैरह बहुत ज़्यादा नेचुरल है वन अपना कलर्स जो है बहुत अच्छे से मेंटेन करता है ये अच्छा था उसका वीवो भी ठीक ठाक है यहाँ पे और अगर आप इससे ऊपर जाओगे कही तो।, तो, का तो यहाँ पे कुछ अजीब कहीं ना कहीं करेंगे तोर्टी पे मेगा पिक्सल का फ्रंट कैमरा हम लोग बड़ा सेंसर भी है बाकी दोनों से करें तो वन और विवो में हम लोग को सोलह मेगा का कैमरा मिलता है बस वन में एफ है और विवो में एफ है वन बाई थ्री इंच का सेंसर है तो फ्रंट कैमरा का फोटोज देखते हैं तो अगर फ्रंट कैमरा का फोटोज देखोगे तो कलर्स आपका चॉइस हो सकता है हमको पर्सनली बोले तो वन प्लस का फोटो जो है सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वाइडर व्यू सबसे ज़्यादा नथिंग में आपको मिल जाएगा और T3 में सबसे कम वाइडर व्यू आपको मिलेगा कलर्स चॉइस आप कर लेना खुद से अगेंस्ट द लाइट अगर आप फोटोज़ वगैरह क्लिक करते हो तो यहाँ पे भाई थोड़ा सा हाईलाइट्स को अच्छे से मेंटेन करता है नथिंग लेकिन यहाँ पे भी कलर्स हमको वन प्लस का ज़्यादा बढ़िया लगा भाई वीवो यहाँ पे पूरा ब्लोन आउट कर दे रहा था तो ये थोड़ा सा स्ट्रगल करने वाला चीज़ था लेकिन लो लाइट में वही अगर बोलें तो वीवो अच्छा मेंटेन किया है ओवरऑल बोले तो यहाँ पे भी कलर्स अगेन वन प्लस का सबसे बेहतर है नॉइज़ वगैरह सबसे कम है कहीं ना कहीं हम ये बोले तो और फ्लैश के साथ भी एक्सपोजर जो है वन प्लस और वीवो का सबसे बेहतर था तो कहीं ना कहीं फ्रंट कैमरा में हमको वन प्लस का फोटोज़ जो है सबसे बढ़िया लगा है तो अगर फ्रंट पोर्ट्रेट का बात करेंगे तो सबसे पहला चीज यहाँ पे वन प्लस जो है सबसे ज्यादा वाइडर व्यू देगा कलर साइंस यहाँ पे भी अगेन बोलेंगे आ, सबसे बेस्ट वन प्लस का था एज इसेक्शन वगैरह में कोई भी फोन में मेजर इशू नहीं है मल्टीपल लोगों को भी आराम से तीनों फोन हैंडल कर लेता है ग्रुप शॉट्स वगैरह में भी पोर्ट्रेट मोड आराम से ले लगा कोई इशू हमको इसमें भी नहीं दिखा अगेन द लाइट यहाँ पर भी वन का जो कलर्स है मतलब ज्यादा अच्छा मैचिंग लगता है बैकग्राउंड से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी अगेन वीवो थोड़ा सा स्ट्रगल करता है डाइन रेंज को लेकर खासतौर पर लेकिन लो लाइट में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर वीवो का फोटोज हमको ओवर

का, लेकिन बाकी दोनों फोन में जो है टू फोर्टी है, 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 तो है, है, है।, है सिर्फ कंट्रोल देगा फ्रंट कैमरा में भी देगा, लेकिन यहां पे 4K का नहीं है। इसके अलावा में कुछ स्पेशल फीचर आपको नहीं मिलेगा वन प्लस में हम लोग को कटआउट मोड है आप फोटो में होल्ड करोगे तो आप उसको कहीं पे भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो वीवो में भी कुछ एडिशनल फीचर्स मिल जाता है जैसे सुपर मून मोड मिल जाएगा डुअल मोड हम लोग नथिंग और वन प्लस में मिलता है टेस्ट मोड स्नैपशॉट मोड ये सब जो है वन प्लस और Vivo में ये सब में मिलता है तो फीचर्स के मामले में कैमरा इंटरफेस के मामले में यहां पे थोड़ा सा जो है नथिंग पीछे रह जाता है बाकी दोनों फोन से तो अगर आप फोर के थर्टी एप रिकॉर्ड करते हो तो ये सेटिंग आपको मिलेगा फोर के सिक्सटी एप किसी में भी नहीं है फोर के में आप कैमराज किसी में स्विच भी नहीं कर सकते हो ये सब चीज़ कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे फोर के में अगर आप देखोगे तो नथिंग फोन टू ए जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा कलर्स बैलेंस कर रहा है वन प्लस कूल टोन में ज्यादा जा रहा है वीवो जो है वो भी काफ़ी अच्छा मेटेन किया अगेंस्ट द लाइट भी अगर देखोगे तो नथिंग यहाँ पर हमको सबसे बेहतर लगा वन भी अच्छा है और यहाँ पे लेकिन वीवो जो है ऐसे नॉर्मल सिचुएशन में वीवो हमको थोड़ा सा स्ट्रगल करता हुआ दिखा डार्क जो साइड है वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा मतलब डिटेल्स कम लेकिन हाँ हाईलाइट्स भी उसमें थोड़ा सा अच्छे तरीके से मैनेज था ये आप कह सकते हो और अगर आप ऐसे नॉर्मली वीडियोस वगैरह शूट करते हो अगर फ्रेम में कोई आ जाए जैसे एक्सपोजर शिफ्टिंग कलर शिफ्टिंग इस सब का बात करें तो यहां पर आप क्लियरली देखना कि भाई कितना ज्यादा एक्सपोजर कलर्स ये सब शिफ्ट होता है इस मामले में वीवो थोड़ा सा अच्छा लगा वीवो में थोड़ा धीरे से आराम से मतलब अचानक से नहीं चेंज हुआ तो वो स्मूथ तरीके से स्विच हुआ यहां पर आपको एक चीज बता दें कि स्टेबिलिटी के मामले में वन में स्टेबिलिटी आपको नहीं मिलेगा फोर में आपको सेटिंग में स्टेबिलिटी नहीं मिलता है स्टेबलाइजेशन आपको काम नहीं नहीं करेगा एक्सपोजर शिफ्टिंग कलर शिफ्टिंग के मामले में यहाँ पे वीवो सबसे बढ़िया है और एक और चीज़ में वीवो हमको सबसे बढ़िया लगा वो ह्यूमन सब्जेक्ट अगर आप धूप में शूट करते हो तो वहाँ पे वो इस जगह पर वन प्लस जो है हमको स्ट्रगल करता हो दिखा ग्रीन थोड़ा सा हो गया और नथिंग जो है थोड़ा ज़्यादा ब्राइट कर रहा था तो फोर में कुछ इस तरीके का आपको रिजल्ट मिलने वाला है तो अगर टेन ए टी पी सिक्सटी एफ एस रिकॉर्ड करते हैं तो इस जगह पे आपको वन प्लस में स्टेबलाइजेशन मिलेगा नथिंग्स में अगेन बूस्टेड कलर और यहाँ पे विवो जो है स्टेबलाइजेशन अपना खो देता है मतलब कि वीवो सिक्सटी एफ पे स्टेबलाइजेशन आपको नहीं देगा टेन ए टी में फोर के थर्टी में आपको मिल जाता था यहाँ पे स्टेबिलिटी हमको वन प्लस का काफ़ी बढ़िया लगा नथिंग में एक चीज़ अच्छा है अगर आप टेन टी पी थर्टी एफ पे कर रहे हैं तो आप कैमरा स्विच कर सकते हो अल्ट्रा वाइड में जा सकते हो वन में जा सकते हो ये अच्छा था ये आप वन में कर नहीं सकते हो और अगर आप जूम वगैरह करते हो तो सारे फोन में यहाँ पे टेन का मैक्सिमम जूम लेवल मिल जाएगा तो आप जूम कर सकते हो स्लाइडर आपको मिल जाता है Rider के थ्रू आप उट कर सकते हो टॉगल नहीं है किसी में भी कि जूम इन आप डायरेक्ट कर सको अगर शार्पनेस बात करेंगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर जैसे ही सब में डिटेलिंग्स वगैरह जो है मिलता है मिलता बहुत मेजर डिफरेंस वगैरह ऐसा कुछ आपको किसी में भी नहीं मिलेगा और अगर आप लो लाइट में जाते हो तो यहाँ पर आपको क्लियरली एक चीज़ दिखेगा कि नथिंग जो है ज्यादा शार्प और डिटेल्ड यहाँ पे जो उसका बड़ा सेंसर है वो एडवांटेज दिखाता है बड़ा सेंसर की वजह से ज्यादा बेहतर आप डिटेलिंग वगैरह कैप्चर कर सकते हो यहाँ पे वीवो भी काफी अच्छा है यहाँ पे हमको वन प्लस थोड़ा सा स्ट्रगल करता हुआ ज्यादा दिखा तो अलग अलग सिचुएशन में आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि तो मिलेगा कि भाई सभी फ़ोन अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से काम करते हैं आप चॉइस अपना पसंद कर सकते हो कि आपको किस चीज़ का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है तो अगर अल्ट्रा वाइड का बात करें तो यहाँ पे नथिंग जो है क्लियर विनर है इस जगह फाइनली बोल सकते हैं क्योंकि भाई आपको यहाँ पे फोर का सपोर्ट मिल जाता है वन में आपको टेन ए टीपी थर्टी पर वीवो में तो भाई है ही नहीं यहाँ पे प्राइमरी कैमरा का वीडियो दिखा दिए यहाँ फोर वीडियो में क्लियरली आपको नथिंग जो है शार्प और डिटेल्ड वीडियो दे पाएगा स्टेबिलिटी बढ़िया है वाइडर व्यू बढ़िया है तो ओवरऑल हम नथिंग को बोल सकते हैं कि आप अल्ट्रा वाइट का अगर आपको रिक्वायरमेंट होता है तो नथिंग आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है इवन लो लाइट का जो वीडियो था उसमें भी हम बोल सकते हैं तो कहीं ना कहीं ये बोल सकते हैं कि वीडियो सेगमेंट में अगर आपको जाना है तो आपके लिए नथिंग जो है बेहतर ऑप्शन है रियर कैमराज के मामले में तो ये फ्रंट कैमरा है गाइस फ्रंट कैमरा में यहाँ पे नथिंग एक लौदा फोन है जो टेनरे टी पी सिक्सटी एप देगा बाकी कोई भी फोन सिक्सटी एप नहीं देता है कोई भी फोन यहाँ पे फोर के नहीं शूट कर सकता है वन प्लस जो है थोड़ा सा आप देख सकते हो स्काई को मेंटेन करने का कोशिश कर रहा है ज़्यादा और वीवो में भी थोड़ा बहुत विजिबल है और सही बात बोले तो यहाँ पे स्काई जो है किसी में भी आ, मतलब वैसा एग्जैक्ट हो नहीं रहा है हमको थोड़ा सा नथिंग में फ्रेम ड्रॉप भी दिख रहा है सिक्सटी एफ पे हीट होने के बाद और ये अगर हम सन के साथ लें कुछ इस तरीके का आपको शॉट मिलेगा तो यहाँ पर हमको वन प्लस ही सबसे बेहतर मतलब दिख रहा है वाइडर व्यू भी ज़्यादा है तो ये सब चीज़ थोड़ा सा हमको थो बेहतर लगा वन प्लस में आप स्टेबलाइजेशन भी ऑन कर सकते हो बाकी दोनों फ़ोन में डिफ़ॉल्ट स्टेबलाइजेशन ऑन होकर आता है और अगर आप सभी फ़ोन में टेन ए टी वी थर्टी एफ कर दो तो यहाँ पे स्टेबलेशन का ऑप्शन भी है हम लोग को वन प्लस में वो हम ऑन कर चुके हैं तो यहाँ पे हम फ्रंट कैमरा में अभी तक तो बोलेंगे कि वन प्लस जो है आपके लिए बेहतर ऑप्शन है सब कुछ मिला के अगर देखा जाए स्काई वगैरह का डिटेल्स वगैरह सब कुछ फेस का कलर वगैरह सारा कुछ बोले तो वो नथिंग जो है थोड़ा सा ज़्यादा येलो कर देता है ये वार्म कर देता है तो अगर आप डुअल रिकॉर्डिंग वगैरह करते हो तो यहाँ पे वन नथिंग में आपको कोई ऑप्शन नहीं है वन प्लस में हम लोग को मिल जाता है डुअल रिकॉर्डिंग वीवो में मिल जाता है तो वी ब्लॉगिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है और डिस्प्ले में में के एक चीज़ हम बोलेंगे कि वीवो थोड़ा सा लैग कर रहा है यहाँ पे अभी तक वन प्लस जो सब है सबसे ज़्यादा स्मूथ फील दे रहा है गर्मी के बाद तो अगर लो लाइट में वीडियो की बात करें तो यहाँ पे एक चीज़ बोलेंगे कि हमको सबसे ज़्यादा जो विजिबल दिख रहा है और कम नॉइज़ अगर बोलें तो नथिंग यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल ज़्यादा करता हुआ दिख रहा है वैसे अगर कुछ और रहा तो हम आपको डिटेल बता देंगे वन प्लस में ज़्यादा ब्राइट दिख रहा है वैसे उसमें नॉइज़ भी काफ़ी ज़्यादा है लेकिन हमारा वीवो जो है वो नॉइज़ लेवल काफ़ी अच्छे तरीके से मैंटेन किया है लो लाइट में क्योंकि इसका अपर्चर जो है लार्ज है लार्ज अपर्चर की वजह से थोड़ा लो लाइट कैपेबिलिटी जो है ज़्यादा बेहतर होता है कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि तीनों ही फ़ोन ऑलमोस्ट सिमिलर जैसे बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आपको नहीं मिलेगा लेकिन हाँ वन प्लस और आ, यहाँ पे वीवो जो है थोड़ा सा बेहतर काम करता है यहाँ पे फ्लेयर भी आप देख सकते हो कि किस में कैसे आ रहा है इज़ द लाइट तो अगर आपको पोर्ट्रेट वीडियो रिकॉर्ड करना है तो यहाँ पे नथिंग में कोई पोर्ट्रेट वीडियो का ऑप्शन ही नहीं है वन प्लस और वीवो जो है वही दोनों आपको पोर्ट्रेट वीडियो देगा लेकिन वन प्लस में एक एडवांटेज है कि थर्टी एफ मिलता है वीवो में हम लोग को सिर्फ ट्वेंटी फोर मिलता है और स्टेबलाइजेशन भी आप यहाँ पर देख सकते हो कि किसका बेहतर है और ऑडियो भी पीछे से आ रहा था तो वो भी एक आइडिया मिल चुका होगा कि ऑडियो पीछे से अगर हो तो कैसा आपको ऑडियो मिलने वाला है तो सारे फ़ोन का आपने ऑडियो भी सुन लिया आप बताओ कमेंट करके आपको किसका ऑडियो जो है सबसे बेहतर लगा वैसे यहाँ पे 4K वीडियो आप देख सकते हो वीवो और नथिंग में 4K वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है ये टाइम लैप्स का वीडियो है और यहाँ पे हमको एक चीज़ अच्छा लगा वन प्लस में कि 4K नहीं है बट हाँ उसका डिटेलिंग बढ़िया है और इस जगह पर फोर में अगर बोलें तो फोर में हमको यहाँ पे वीवो का वीडियो जो है ज़्यादा बेहतर लग रहा है शडोज़ और हाईलाइट को अच्छे से मेटेन किया है और स्लो मोशन में भी अगर आप शॉर्ट लोगे तो हमको यहाँ पर नथिंग का वीडियो जो है सबसे ज़्यादा शार्प और डिटेल लगा है कलरफुल लगा है और सबसे कम जिटर करता हुआ दिखा है तो फाइनली अगर बैटरी की बात करेंगे तो नथिंग में आप देख सकते हो एक घंटा बयालीस मिनट ऑन रहा है स्क्रीन और सेवेंटी परसेंट बैटरी है सेकेंड में हम लोग का वीवो है हम लोग सेवेंटी एट परसेंट बैटरी के साथ और यहाँ पे स्क्रीन ऑन टाइम जो है वन आवर 46 मिनट और यहाँ पे हम लोग को वन प्लस जो है सेवेंटी नाइन परसेंट के साथ एंड फोर्टी फोर मिनट का स्क्रीन ऑन टाइम तो कहीं ना कहीं हम लोग को वन प्लस और वीवो जो है बेस्ट बैटरी दे देगा वन प्लस लेकिन हमेशा सबसे ज्यादा ब्राइटनेस रखा था ये भी चीज आप ध्यान में रखना तो फाइनली अगर बोले तो हर जगह पे तो क्लियर विनर नहीं हमको दिखा वीडियोज के मामले में हम थोड़ा सा चूज करने वाले नथिंग को बेटर स्टेबिलिटी और फोर सपोर्ट के लिए अल्ट्रा वाइट में बढ़िया वीडियो लेता है लो लाइट बढ़िया वीडियो लेता है फ्रंट कैमरा में वन Oneplus को चूज कर रहे हैं और विवो अपने प्राइसिंग के हिसाब से भाई काफी अच्छा परफॉर्म करता है। तो आप बताओ कमेंट करके आपको क्या लगता है आज कौन सा फोन गर्दा उड़ाता है मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए गर्दा उड़ाते रहिए जय श्री राम